एक ऐसा गांव जहां केवल महिलाएं ही रहती हैं। भारत के किस राज्य में शादी के बाद लड़कों का विदाई होता है, जानेंगे ऐसे ही कुछ मजेदार फैक्ट। फैक्ट नंबर वन, नॉर्थ केन्या में एक गांव है जिसका नाम उमेजा है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस गांव में केवल महिला ही रहती है। जी हाँ, इस गांव में केवल महिलाओं का ही शासन चलता है। यदि गलती से इस गांव में कोई पुरुष प्रवेश कर लेता है तो उसे जेल हो जाती है। यहाँ की महिलाएं अपने जीवन चलाने के लिए रंग बिरंगे मोतियां और चूड़ियों को बनाकर बेचती है। फैक्ट नंबर टू, अक्सर आपने देखा होगा कि शादी के बाद लड़की का विदाई होता है, लेकिन भारत के मेघालय राज्य में खासी जाति की परंपरा के अनुसार यहाँ शादी के बाद पुरुषों का विदाई होता है और यहाँ के बच्चों का सरनेम अपने माँ का सरनेम के अनुसार रखा जाता है। फैक्ट नंबर थ्री, अफ्रीका के कुनेन प्रांत में रहने वाली हिम्बा जनजाति की महिलाएं जिंदगी में सिर्फ एक बार नहाती है, वो भी सिर्फ तब जब उनकी शादी होती है। हिम्बा जनजाति की महिलाएं नहाने की जगह खास जड़ी बूटी का इस्तेमाल करती है। वे इन जड़ी बूटियों को पानी में उबल कर उनके भाप से अपने बॉडी को फ्रेश करती है ताकि उनके बॉडी से कोई बदबू ना आए। यहाँ की महिलाएं अपने स्किन को धूप से बचाने के लिए खास तरह का लोशन का इस्तेमाल करती है। यह लोशन जानवर के चर्बी और हेमाटाइट की धूल से तैयार किया जाता है। हेमाटाइट की धूल की वजह से इनकी स्किन लाल हो जाते हैं और इन महिलाओं को रेड वुमेन के नाम से भी जाना जाता है।